पाकिस्तानी सैटेलाइट मिशन का मवाजना भारतीय चंद्रयान से कैसे किया जा सकता है? क्या ये पाकिस्तान का पहला खलाई मिशन है? इस मिशन को भेजने के मकासद क्या हैं? और पाकिस्तानी एयर स्पेस रिसर्च की तारीख कितनी पुरानी है? इन तमाम की तफसील शामिल है इस रिपोर्ट में। वीडियो आखिर तक मुलाहिजा करें। पाकिस्तान का सैटेलाइट आई क्यूब कमर चांद के गिर चक्कर लगाने के लिए चीन के खलाई मिशन चिंग E6 के साथ गुज़िश्ता रोज रवाना हो गया है, जो 5 दिन में चांद के मदार में पहुंचेगा और यूं पाकिस्तान चांद के मदार में सैटेलाइट भेजने वाला दुनिया का 6ठा मुल्क बन गया है। 2 साल की कलील मुद्दत में शंघाई यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान नेशनल स्पेस एजेंसी स्पार्को के तावुन से डिजाइन किए गए आई क्यूब कमर को चांद की दूसरी तरफ से नमूने हासिल करने के लिए भेजा जाने वाला पहला मिशन करार दिया जा रहा है। 2 ऑप्टिकल कैमरों से लेस आई क्यूब कमर चांद के अतराफ चक्कर लगाकर चांद की सतह की तस्वीर भेजेगा, जिसके बाद पाकिस्तान के पास तहकीक के लिए चांद की सैटेलाइट तस्वीर मैसर होंगी और चीन भी इससे इस्तेफादा कर सकेगा। इसके जरिए चांद के मौसम, जमीन और मखनातीसी मैदान से मुतालिक अहम मालूमात तक भी रसाई हासिल हो सकेगी। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के मुताबिक इस मिशन का मवाजना भारत के चंद्रयान से नहीं किया जा सकता। वो चांद पर लैंड करने वाला बड़ा मिशन था, जबकि आई क्यूब एक छोटी सैटेलाइट है। ये मिशन 53 दिनों पर मुश्तमिल होगा, जिसमें चांद के गिर चक्कर लगाने, टेक ऑफ और वापसी पहुंचना भी शामिल है। साइंसी और एयर स्पेस के हवाले से दस्तियाब मालूमात के मुताबिक इसराइल और जापान के बाद पाकिस्तान खला में मिशन भेजने वाला एशिया का 3रा और खला में विसल भेजने वाला 10वां मुल्क था। 1960 की दहाई में डॉक्टर अब्दुस्सलाम और तारिक मुस्तफा ने नासा से ब्रीफिंग के बाद स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन यानी स्पार्को की बुनियाद रखी। 1960 से 1970 की दहाई तक का दौर ताबनाक रहा। इस दौरान पाकिस्तान इसराइल और जापान के बाद खला में मिशन भेजने वाला 3रा मुल्क बन गया था। इसी अरसे में पाकिस्तान ने खला में 200 के करीब रॉकेट भेजे। रहबर नामी रॉकेट 1962 में खला में भेजा गया, जबकि रहबर दोम इस सीरीज का आखिरी मिशन साबित हुआ। इस अरसे में अमेरिका खलाई मिशन अपोलो 17 के खलाबाज स्पार्को कराची और कायदे आजम यूनिवर्सिटी रावलपिंडी भी आए। 1970 में पाकिस्तानी सियासी बहरान और फंड्स की अदम दस्तियाबी के नतीजे में स्पेस मिशन को रोक दिया गया। पाक सेट स्पार्को के साइंसदानों की जानिब से भेजी गई आखिरी सैटेलाइट थी, जिसकी बदौलत आज पाकिस्तान में सैटेलाइट की सहूलियात मैसर हैं। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। मजीद ऐसी मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।